गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय सेल्फ ज्योति प्रकाश। तो आज आम डिस्कसन करवा 10 जून 2020 द हिंदू न्यूज कौन कौन इम्पोर्टेंट रही फॉर द ओपीएससी एग्जाम फॉर द करंट अफेयर व्यू। देखिबा आम कौन कौन न्यूज अच्छी टाइप कर कमेंट सेसन रे, कमेंट दियो जहाँ भी मुझे क्वेश्चन पचारूँ तार आंसर दियो। तो आम डिस्कसन करवा आज 10th of June, इट इज द फ्रंट पेज, सी हियर। He is the US president, he is the North Korea president. तो मत कमेंट सेसन में जानवे हु इज द US president, हु इज द नॉर्थ कोरिया president। देखिबा इंडिया आउ चाइना भितर बॉर्डर रा इशू चली थिला ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सेठी कौन है छि न्यूज रे इठी मेंशन है छि तो कौन है छि ना तारे सॉल्यूशन आसी जाय छि द आर्मी भितर सॉल्यूशन से माने मेंशन करि छंती। जहां भी व्हीकल्स थिला, जहाँ भी डिफेन्स इक्विपमेंट राडार कि जामर एस्टाब्लीश कर चाइना इवन इफ इंडिया, तो बोथ ट्रुप्स निज निज देश को बैक कर खास करके जो 5टा जगह को लेकिन इश्यू होता कनफ्लिक्ट होता इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द डिस्ट ऑफ ले गलवान एरिया, लद्दाख एरिया, पांगोंगसा लेक एंड चुसुल एरिया। तो से एरिया मानक भितर जहाँ भी इश्यू होता एवं ताको कनक्लूड कराई। देखिए आग को कौन स्टैंड रोचे बोथ कंट्री पाई, बोथ कंट्री पाई हेल्पफुल भी हम एंड विन विन सिचुएशन बोथ फॉर इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट आम स्लाइड करवा तल को जी कौन न्यूज अच्छे देखा तले न्यूज आस जा इश्यू ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रे कोरोना केस र पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हबारे लगी केसेस 5.5 लाख रे पहुँचवाक लगी। एडिटोरियल पेज रे भी मध्य मेंशन अच्छे से आम देखा कौन अच्छी कौन स्टेटमेंट रोचे दिल्ली रे कोरोना रैपिडली कमी मूव होती कौन स्टेप निया हम इंडिया रे। इंडिया रे भी कम्युनिटी ट्रांसमिट हबार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अच्छी। देखिबा WHO रो व्यू कौन अच्छे एडिटोरियल ले किछि किछि स्टेटमेंट आम देखिबा। कमिंग टू द नेक्स्ट सी हियर दिस इमेज, तो इमेज होउछि आसाम रो। आसाम रे गोटे ऑयल फील्ड अच्छे जोटि कि गैस लीक होउछि सेटा मेंशन अच्छे क्लियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रंट पेज रे आउ कौन अच्छे इंपोर्टेंट सी हियर लास्ट वन इंडिया नेपाल रो इशू। मु काली भी न्यूज रे कहि सारिछि एठी भी सेटा मेंशन अच्छे नेपाल न्यू मैप करिवो एंड ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ओके प्रदीप कुमार गोयाली इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो आम नेक्स्ट एडिटोरियल को जीवा कमिंग टू द नेक्स्ट 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 सो सी हियर इट इज द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज रे कौन कौन हेडलाइंस अच्छी द एंटीमोनी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म बीइंग वोकल ऑन द लोकल ऑन द राइट लोकल। ओके रॉन्ग प्रायोरिटीज क्रॉस लाइन द क्रॉसिंग द लाइन इट इज अ इशू ऑफ न्यू दिल्ली। इट इज अ इशू ऑफ कोविड 19 इंडिया रे मैक्सिमम स्प्रेड हब। इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट बाय WHO। WHO खास करके हाई रिस्क एरिया तीन टा कंट्री को देखिए गोटे हूँ इंडिया, गोटे हूँ बांग्लादेश, गोटे हूँ पाकिस्तान। ये मैक्सिमम स्प्रेड हे कौन ना कोविड 19 र केसेस। तो ये स्टेट पाराग्राफ रे मेंशन भी है कि इंडिया टैकल करिया बहुत कष्ट हो बिकॉज ड्यू टू द थिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स रे से इंफ्रास्ट्रक्चर ना ही जहाँ कि से माने केसेस यदि मैक्सिमम हो किसी बेड्स हॉस्पिटल रे बेड्स रो सिस्टम हो पार मेडिसिन दिपर पर्सनल केयर दिपर। ओके तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रोचे ओके बहुत लोक निज इम्यूनिटी पावर हिसाब से भी ठीक होती बट द पॉसिबिलिटी इज देयर अदर डिजीजेस लाइक डायबिटीज जहाँ को अच्छे कैंसर जो मान अच्छे से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डेथ हबार तो से केयर नाक पड़ो से मैक्सिमम सेफ वे ट्रीटमेंट करवाक पड़ो। तो ये सी मेनसन कर इट इज ऑल अबाउट द रॉन्ग प्रायोरिटीज रो जहाँ भी कंक्लूजन अच्छी पाराग्राफ रे मुझे जनइली। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्रॉसिंग द लाइन
क्रॉसिंग द लाइन, सी हियर इट इज द क्रॉसिंग द लाइन, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ऊपर आर्टिकल लिखा है, न्यू दिल्ली रे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अच्छी राइजिन कोविड 19 केसेस, तो कोविड 19 केस रा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अच्छी बढ़ेबा पई, तो ता ऊपर किछि डाटा दे जों दैट इज नॉट इंपोर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हेल्थ सेक्टर रे कोडी स्टैंड करूची से दृष्टि रे हम जे देखिबा तो इंडिया रे बहुत गुडाए रिसर्च करिवार अछि कोविड 19 को टैकल करिया पई, बहुत गुडाए वॉलंटियर्स को हायर करिवार अछि, प्रॉपर पॉलिसी बनियार अछि प्राइवेट आ पब्लिक केमिति बोथ मिसिकी कोविड 19 रो पैंडेमिक को जीरो केसेस को आनिबे ता ऊपर स्टेप नबार अछि, बट इट इज ए रीजनल इशू, रीजनल ऊपर मेंशन करा जाय छी जदी इट इज अ कैपिटल एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, तो सेठे जदी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होउची कोविड 19 केसेस रे इट इज आल्सो ए वेरी नेगेटिव थिंग्स टुवर्ड्स ऑल अदर डिस्ट अदर कंट्री अदर स्टेट को भी नेगेटिव इंपैक्ट पकेबा, दैट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। देन कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट आम देखा तो ब्रीफली आम देखा पिंसर प्रोवोकेशंस, इट इज द पाराग्राफ एज आई जूम इट सी हियर प्रिंसर प्रोवोकेशन, ओके प्रिंसर प्रोवोकेशन एडी मेंशन होउची, इट इज खास करके मेंशन अच्छे कौन ना लद्दाख और काश्मीर इश्यू ऊपर, इंडिया यू नो अबाउट इंडिया, तो आम मैप देखा इंडिया रो, सो सी हियर इट इज द मैप ऑफ जम्मू एंड काश्मीर, सॉरी इट इज द मैप ऑफ जम्मू एंड काश्मीर तो यही इश्यू उपर ही से आर्टिकल रे मेंशन अच्छी, इट इज द गिलगिट, इट इज द बाल्टिस्तान, इट इज द ऑक्साई चेन एरिया कवर बाय चाइना, इट इज द सियाचेन ग्लेशियर कवर बाय इंडिया, इट इज द गिफ्टेड एरिया टू चाइना, पाकिस्तान गिफ्ट कर चाइना को, इट इज द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी अच्छी एलओसी इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एलएसी इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्लियर, तो इट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। पाराग्राफ रे जा अच्छे हमें पुनी पाराग्राफ को बैक करिबा, ओके तो बेजिंग एंड इस्लामाबाद आर मेकिंग कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू चैलेंज इंडिया प्रेजेंस इन द काश्मीर एंड लद्दाख रीजन, तो गोटे पटे इट इज द जम्मू काश्मीर, गोटे पटे हूँ काश्मीर, गोटे पटे हूँ लद्दाख, तो एपटे अच्छे चाइना, एपटे अच्छे पाकिस्तान, तो बहुत चैलेंज कर इंडिया को ऑन द पॉइंट ऑफ जम्मू काश्मीर एंड ऑन द पॉइंट ऑफ लद्दाख, तो चाइना चैलेंज कर लद्दाख रीजन रे, पाकिस्तान चैलेंज कर इंडिया को रीजन रे काश्मीर रीजन रे, बिकज आम जानते जिते बलू पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होती सेबे टू तार नेगेटिव इंपैक्ट रही उपरे काश्मीर उपरे जोठी की से बारंबार टेरर अटैक भी करुची इंटरनेशनली, इंडिया को चैलेंज भी करुची इन द यूनाइटेड नेशंस हो अदर ऑर्गेनाइजेशंस रो मीटिंग हो, बट दैट इज ए इशू बिहाइंड इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान रो मेन थीम कौन रोचे ना टेररिस्ट अटैक करुचे इनटू द वैली, सी हियर टेरर अटैक इनटू द वैली खास करके काश्मीर एरिया रे, ऑन द अदर हैंड चाइनीज स्टैंड करुचे कोटी ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे, जोटी एबे रिसेंटली तो फ्रंट पेज रे मु कहूतली जोटी की रिसेंटली इंडिया रो किछि इंफ्रास्ट्रक्चर को नै कि चाइना आ इंडिया भीतर कॉन्फ्लिक्ट हेछि ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सो दिस इज इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट कौन पाई मेन इश्यू रोचे इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, द मेन थीम रोचे कौन ना पीओके एरिया, यू कैन सी हियर इट इज द पीओके एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर, आज आई ड्रॉन मैप रे मुझे देखे इट इज द पीओके एरिया, द
ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦିସ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ପିଓକେ ଏରିଆ। ପିଓକେ ଏରିଆର ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗିଲଗିଟ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ପାକିସ୍ତାନ। ତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ଜାଗା ଦେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚାଇନାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ସି ହିଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ଼୍ କାଶ୍ମୀର ଜିଙ୍ଗଜିଆନ୍ ଏରିଆରୁ ଗ୍ୱାଦର ପୋର୍ଟ ଯାଏ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସିପି, ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇସି ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡ଼ର। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାଇ ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ଦେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଏ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଂ ଜିଙ୍ଗଜିଆଂ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଟୁ ଦ ଗ୍ୱାଦର ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ବନାଉଛି ଅନ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ଗିଲଗିଟ୍। ତ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଚାଇନାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି, କିଛି ସପୋର୍ଟିଂସ ରହୁଛି, ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ ପାକିସ୍ତାନ, ବିକଜ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡ଼ର। ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍, ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୟୁ ଉପରେ, କେଉଁଠି ନା ପିଓକେ ଏରିଆରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ। ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୟୁର ମିନିଂ ହେଉଛି ସୋସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲି ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋସିଆଲି ପଲିଟିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ହେଉ କି ନ୍ୟାସନାଲି ହେଉ, ବିଟୱିନ୍ ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ନେବି ସାର୍କ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଓକେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏଥିରେ ବି ଅଲୱେଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ସାର୍କ ନେସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ରିଜିଅନ୍ ଭିତରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ଦ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ନେକ୍ସଟରେ ସେ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ନେକ୍ସଟରେ ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଟେରିଟୋରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଅନ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଦାଖ। ତ ଲଦାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ସେଠି ଅଲୱେଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଓକେ ଅଲୱେଜ୍ ସରି ଚାଇନା ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସୋ ଏ ସୁପେରିୟର ପାୱାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଲିଟେରୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ମିଲିଟେରୀ ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁପେରିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୁପେରିୟର ପାୱାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଉପରକୁ, ତା'ର ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ତା'ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ସେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୱି ଆର୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଠୁ ବେଟର ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ, ବେଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, କ୍ଲିଅର। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ତ ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହେଉ, ଡିଫେନ୍ସରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ଆର୍ମି କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ବେସ୍ରୁ ଓକେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ତ ସେ ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା'ର ପାୱାର ଦେଖାଇକି, ପାୱାର ଶୋ କରିକି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ଚାଇନାର ନେଚର୍ ହିଁ ସେମିତିକା। ବଟ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରିଆଲ କ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କାଶ୍ମୀର, ସିଏ କାଶ୍ମୀରକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି, ସେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ମୋର, ବିକଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ହାୟର ମୁସଲିମ ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟ୍ରି। କାଶ୍ମୀର ଏରିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁସଲିମ ପପୁଲେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିସ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅଲୱେଜ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ ହେଉଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଅଲୱେଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରମୋଟିଂ ଦ ଟେରର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଲୱେଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫେନ୍ସର ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପର୍ ଡେ ଇନ୍ 3 ଡେଜ୍ ଇନ୍ 1 ମନ୍ଥ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଥ୍ ଓକେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ଟେରର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ଇନ୍ ଦ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ଼୍ କାଶ୍ମୀର। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ।
एंड इट इज ऑल्सो ए बैड इम्पैक्ट टू द बायलेटरल रिलेशन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट कनसेप्ट रहुचि कौन ना चाइना कभर करिचि को एरिया को ना जम्मू काश्मीर अक्साइ चीन एरिया को। दिस इज द अक्साइ चीन, इट इज कभर बाय चाइना। तो चाइना यटा को कभर करिचि, चाइना चाहूचि एबे रिसेंटली जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख दुटा यूनियन टेरिटरी होइचि। तो नेक्स्ट इन फ्यूचर जदि इंडिया एग्रेसन करे बोथ पीओके एरिया को एंड सियाचेन एरिया को, तो देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द इशू ऑफ सियाचेन ग्लेशियर, सॉरी अक्साइ चीन एरिया। तो अक्साइ चीन एरिया को नहीं कि चाइना ओरी हम, तो से एलएसी उपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उपर तार एग्रेसन देखा, तो से शो करने को चाहूँगी इन फ्यूचर आमर भी स्टैंड अच्छे चाइनीज ट्रुप्स मानकर स्टैंड अच्छे से माने बेटर डिफेंस सिक्योरिटी रखिचंद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे। सो इट इज ए मीन्स पॉइंट हूँ यहाँ चाइना भी डरिकी अच्छे काले इंडिया अक्साइ चीन एरिया को कभर कर, तो सिचुएसन को हैंडेल करने सीए एबे निजर पावर सुपेरियरिटी इंडिया उपर देखा चाहिए, इट इज ए मैटर। तो देखिबा लास्ट रे चैलेंजिंग चेंजिंग द स्टेटस को कौन रोहुची चेंजिंग नेस पॉलिटिकली आउ सोशियली चेंजेस कौन रोहुची आम देखिबा, इट डजंट चैलेंज द स्टेटस को ऑफ काश्मीर। पाकिस्तान केबे भी पॉलिटिकली आउ सोशियली काश्मीर इश्यू को नहीं कि चैलेंज करि पारिबनी कि कले इंडिया उपर किछि फरक भी पड़बनी, इंडिया को किछि भी फरक पड़बनी, क्लियर। बिकज इंडिया बेटर स्टैंड अच्छे फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इंडिया ऑलवेज ओके हेल्पफुल टू द नेबर्स, बट नेबर जो हेल्प करनी कि नेबर ऑलवेज एनिमी भाया बिहेव कर, तो इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नबार अच्छे। देन वी हैव टू सी देर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन चाइना पॉइंट ऑफ व्यू, इन बिटवीन चाइना पॉइंट ऑफ व्यू, इन बिटवीन चाइना पॉइंट ऑफ व्यू, इन बिटवीन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया ये स्टैंड करुचे मिडिल पोजिशन रे, तो चाइनार पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट, पाकिस्तान रा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट। तो दैट इज ए वर्ड जीरो सम गेन, सी हियर जीरो सम गेन। तो जीरो सम गेन हिसाब रे कौन हो, जीरो सम गेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ जम्मू काश्मीर। जीरो सम गेम इज ए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कौन जमती गोटे बेट लगे दी जन अच्छा वन पर्सन सेकेंड पर्सन दी जन भर बेट लगे फाइव फाइव रुपीज रहा बेट जितब जड़े नहीं जीव ओके तो जड़े ही विन कर दैट इज योर जीरो सम गेम। तो पाकिस्तान आउ इंडिया भितर इश्यू हूँ जीरो सम गेन, बट इंडिया आउ चाइना भितर हूँ वेरिएबल सम गेन, वेरिएबल सम गेन। तो ये कौन हम बोथ कंट्री विन विन सिचुएसन हम, इट इज ए थियोरी जीरो सम गेन एंड वेरिएबल सम गेन। तो इंडिया चाइना भितर विन विन सिचुएसन हमारे चांसेस मैक्सिमम एंड पाकिस्तान इंडिया भितर जीरो सम गेम, आइदर इंडिया विन हम ना पाकिस्तान विन हम, बिकज ऑलवेज पाकिस्तान वांट्स टू विन। तो इंडिया भी स्टैंड रख निजर ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट आम पैसेज को जीवा, नेक्स्ट न्यूज को जीवा जोटा कि इम्पोर्टाट रण रही, फ्लाटनिंग द क्लाइमेट कर्व, इट इज द सेकेंड वन। तो फ्लाटनिंग द क्लाइमेट कर्व रोच, तो क्लाइमेट उपरे से मेनसन करोड 19 भाइरस स्प्रेड अलरेडी इंडिया रे मैक्सिमम हो चली, भितर से मेनसन करने को चाहूँ कौन ना क्लाइमेट क्राइसीस, क्लाइमेट क्राइसीस जहाँ हो क्लाइमेट उपरे जहाँ इम्पैक्ट पड़ुची ताकू केमिति आम बेटर पोजिशन को आनी पारिबा, बेटर इंडिया ग्रोथ करी परिबो ता उपरे से मेंशन करी चंदी। तो से मेंशन करी चंदी कौन जो पोजीशन रे हमें कोविड 19 उपरे मोस्ट स्पेसिफिक स्टेप नौचु ओके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नौचु, इकोनॉमिक डाउन हो कि लोक पर्सनली वीक हुंतु, जॉब लॉसेस हो, अपॉर्चुनिटी कम हो, बट ता भीतर भी आम बहुत स्टेप नौचु। तो सिमिलर स्टेप क्लाइमेट चेंज रे भी नबा को पड़िबो इंडिया को, तो सेटा तंगर स्टैंड रहुचि। तो देखिबा कौन रहुचि, फास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट रे से लिखिछन्ति इंटर रिलेट करिछन्ति दीटा कर्व को, गोटे होउचि गोटे कर्व रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर
कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोटे जगह से रखुच एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तार कर्व कौन रोच इन द सेकेंड हैंड जदि कार्बन डाइऑक्साइड रोच टेम्परेचर रे इंक्रीजमेंट हम तो टेम्परेचर बढ़ तो तार कांस्टेंट रोच पैसेज रे जन चाहते तो आम देखा आग को कौन से पैसेज मेनसन कर मेनसन करा चाहते फास्ट पाराग्राफ रे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रे कंपोजिशन हिस्टोरिकली कौन थी इनिशियल स्टेज रे कौन थी एबे पोजिशन कौटी अच्छी तो ताकु से मेंशन करी चंती तो हमें टिके लेस जूम करिया ओके सी हियर तो स्टार्ट करिया फर्स्ट पॉइंट से कौन मेंशन करी चंती 18,000 इयर्स भी तेरे 18,000 इयर्स से को 18,000 वर्ष पूर्व रु एटमॉस्फेयर रे 200 ppm पार्ट्स पर मिलियन ओके तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम रो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थिला बिहाइंड 18,000 इयर्स एगो 18,000 वर्ष पूर्वरु एतिक मात्रा रे कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस रे प्रेजेंट थिला देन बिहाइंड 11,005 इयर्स एगो 11,500 वर्ष पूर्वरु तार मात्रा मैक्सिमम बढ़ी छि केते ना 70% सॉरी 70 पॉइंट बढ़ी छि 270 पार्ट्स पर मिलियन 270 पार्ट्स पर मिलियन रे पहुंचला क्लियर देन सी मेंशन करी चंती ओके 270 पार्ट्स पर मिलियन पहुंचला तो इट्स ओके तो इटु स्टार्ट हला कोन ना एग्रीकल्चर इट इज जेतर 270 पार्ट्स पर मिलियन पॉइंट रे पहुंचला बिकॉज 200 पार्ट्स पर मिलियन जेतर थिला टेंपरेचर वेरी लो थिला टेंपरेचर बहुत कम थिला बट 270 पार्ट्स पर मिलियन रे जेतर पहुंचला टेंपरेचर इंक्रीज हला तो इट इज ए कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर एटु ही एग्रीकल्चर र कन्सेप्ट स्टार्ट है एग्रीकल्चर बिकज ए मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर फर द एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर यूँ ही सेकि टेम्परेचर प्रेजेन्स रहा जो एग्रीकल्चर हो पार क्लीयर तो तापर मेनसन होना से मेनसन कर इन द मिथ अफ 19th century सरी तो 19th century मिड 19th century इट इज द 1850 ये सर नो तो 1850 बेलू कौन हो से मेनसन करुँच ह्वाट इज द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड इन द आटमोस्फिययर द प्रेजेन्स अफ कार्बन कार्बन डाइअक्साइड इन द आटमोस्फिययर इज 280 पार्ट्स पर मिलियन सो 280 पार्ट्स पर मिलियन इट इज द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड इन द आटमोस्फिययर तो रिलेट करवा रिसेंटली अकॉर्डिंग टू 2018 डाटा ये अच्छी न्यूज रो 2018 डाटा हिसाब से केते अच्छी ना 407 पार्ट्स पर मिलियन तो इंक्रीमेंट देखी पार्छ केते तो अप्रोक्सीमेटली 137 127 पाखापाखी इंक्रीमेंट होइची ओके सो इट इज ए मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन इन द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर रे हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेजेंस इंक्रीज होइछि जदि हमें बिलियन टन्स ऊपर नबा 2.0.2 बिलियन टन्स थिला इन द ईयर 1850 इन द 2008 36 बिलियन रे हमें कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेजेंस एटमॉस्फेयर रे रहिछि क्लियर तो ये कौन हो राइटर कहवाक चाहूँगी यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ोची ताले इंपैक्ट कौन रोचे टेम्परेचर बिकॉज द सेकंड कर्व इज रिलेटेड टू टेम्परेचर तो टेम्परेचर उपरे से मेंशन करिया चाहूँगी सी हियर यदि मुझे जूम करी सी हियर 1850 पर ग्लोबल टेम्परेचर स्लाइटली इनक्रीज हो बट मैक्सिमम इनक्रीज हवा स्टार्ट होती के 1975 पर मैक्सिमम इंक्रीज हवा स्टार्ट होइछि ओके बट इन रिसेंट इयर्स खास करके 4 वर्ष 2015 पर ठू ओके 2015 पर ठू कौन होउछि ना मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज होउछि खास करके 4 डिग्री सेल्सियस रा इंक्रीजमेंट होउछि यदि मु काउंट करबे 2015 रु 2019 भितरे इट इज द एरिया ऑफ हॉटेस्ट ईयर ओके हॉटेस्ट ईयर 2015 16 17 18 19 इट इज द हॉटेस्ट ईयर इन द ग्लोब ओके ग्लोब रो आगुरु प्रीवियसली केबे भी एते
हाई टेम्परेचर फिल हो नाला बट दिस ईयर रे आमको हाई टेम्परेचर फिल हो क्लियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पाराग्राफ से मेंशन करिया कौन चाहिए क्लाइमेट चेंज। ओके व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या कहो क्लाइमेट चेंज नॉट इन्वॉल्व ओनली टेम्परेचर इनक्रीज। जदि टेम्परेचर खाली बढ़ूँ ताको आम क्लाइमेट चेंज कहानी ता सहित कौन रोचे ना ता सहित रोचे वेदरी कंडीशंस रोचे चेंज इन वेदर्स रोचे चेंज इन रेनफॉल रोचे रेनफॉल उपर कौन कौन चेंजेस रोचे ताको भी नहीं कि क्लाइमेट चेंज काउंट करा जीवो। ओके सो रेनफॉल ह्यूमिडिटी विंड स्पीड दीज आर अंडर द क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज ओनली टेम्परेचर इनक्रीज हेले हम ता नुहे तो तार इम्पैक्ट कौन रोचे द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स रोचे ग्लेशियर्स जो मैंने पोल रे अच्छा तो से मैंने मेल्ट हो मेल्ट होगा बेले कौन हो राइजिंग ऑफ सी लेवल, सी लेवल रो राइज होपे आम जो सेटलमेंट रोचु तो से जगह कौन हो पानी भितर बुड़ी जा तो सेटलमेंट एरिया भी डिक्रीज हो चलती ता सहित कौन रोचे ना खास करते टेम्परेचर की क्लाइमेट चेंज हो हरिकेन्स क्रिएट हीट वेव्स क्रिएट हो ड्रट्स हो सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑन द बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो ये गुड़ा चैलेंजिंगनेस रोच तार इम्पैक्ट इनडायरेक्टली अर्थ उपरे कौन पड़ू देन विल सी सी किसी एग्जांपल देमती मुझे कहली हीट वेव्स हो 2003 रे यूरोपियन कंटिनेंट रे ओके यूरोपियन कंटिनेंट रे हीट वेव्स आसाला 70,000 पीपुल डेथ होता सिमिलरली 2015 रे वार्मेस्ट ईयर ऑफ द ओके 2015 रू 2019 इज द वार्मेस्ट ईयर ऑफ द ग्लोब। तो ग्लोब रो वार्मेस्ट ईयर हो 2015 16 18 17 19 क्लियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट सी मेनसन कर आमाजन रे फॉरेस्ट लगी समस्त जानते आमाजन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया रे भी बुश फॉरेस्ट लगी फॉरेस्ट रे फायर लगी ऑस्ट्रेलिया रे भी फायर लगी जंगल रे। तो दीज आर द इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट कापाई हो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द इनक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू इनक्रीज इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। सो दैट इज ए चेंज इन द एटमॉस्फेयरिक कंडीशन जोटा कि ह्यूमन बीइंग्स आगो को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आणव। तो इंडिया रो इम्पैक्ट कौन रोचे तापाई गोटे स्टडी होता सिकागो यूनिवर्सिटी रे सिकागो यूनिवर्सिटी रे स्टडी अनुसार शो करते कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जदि रिसेंटली जमी चेंज होती राइज हम तो इंडिया रे कौन हम ना टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस इनक्रीज हम खास करके इनक्रीज हम रिसेंटली 4 दिन ओके 4 दिन गोटे ओके समर जो आसव 4 दिन आमको 35 डिग्री ऊपरको टेम्परेचर देखा इन द 2010 2010 से आम जो 2050 पहुँचवा से ही 35 डिग्री ऊपरको जो टेम्परेचर ऑल ओवर द इंडिया सब भी डिस्ट सब भी कंट्री सॉरी सब भी स्टेट सबुठी देखा केते ना 15 डेज। तो 15 दिन जाए 35 डिग्री ऊपरको मैक्सिमम टेम्परेचर देखा टिल द एंड ऑफ 21st century जिते 21st century एंड ही आसव तो से कौन हम ना 42 दिन मीन्स इट इज ओके देढ़ मास पखापाखि मिनिमम टेम्परेचर सब जगार तुमको 35 डिग्री रू एभव देखा। सो इट इज ए मैक्सिमम टेम्परेचर जो सर्वाइव करा बहुत कष्ट हो। सो इट इज ए डाटा तो डाटा देखिए सी शो करा चाहते यू हाव टू वर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज उपर वर्क करा पड़ो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करा पड़ो। नेक्स्ट ओबियसली जदि एबेठु लेखाही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेन्स इनक्रीज हेले टेम्परेचर इनक्रीज हो तो तापाई ग्लोबाली कौन सब स्टेप नियाजाई। सो सी हियर स्टेप भितर फास्ट वन समस्ते जानते पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ओके पेरिस एग्रीमेंट होता ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबाली टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो भी कंट्री जहाँ भी टेम्परेचर थिला ताकु 2 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस करा जीवो है ना बिलो ताठू 2 डिग्री सेल्सियस बिलो को अणा जीवो तो तापाई बहुत फंडिंग दरकार देखिबा कौन होउची क्लाइमेट चेंज रे। तो फंडिंग केमिति कौन रहीची तो ता भीतर से माने मेंशन करिसेंदी कौन जो माने उनको पाखरे बहुत मैक्सिमम ओके मनी अछि मैक्सिमम बजेट अछि जीडीपी जो मानकर बहुत अछि तो से माने मैक्सिमम स्पेंड करंती 500 बिलियन
ओके ईच ईयर, ईच ईयर से माने 500 बिलियन स्पेंड करंती फॉर द रिडक्शन, रिड्यूस करिया पई कोनो ना क्लाइमेट चेंज को, क्लियर? ओके तो सेठी कांसेप्ट थिला जो माने अंडर डेवलप अछंती तांका मानु को भी से माने हेल्प करंती। तो ऑन द मीटिंग यूनाइटेड नेशन रा मीटिंग हे थिला तो ता भीतर से माने कोन करथिले ना जो माने अंडर डेवलप कंट्री अछंती तांकु से माने हेल्प करिया बोली 100 बिलियन रा कथा आइ थिला, क्लियर? बट प्रीवियसली आमे जेबा आ गोटे स्टेटमेंट अछि बट कौन दरकार होची वर्ल्ड रे दरकार होची 2.4 ट्रिलियन रुपीज। ओके ट्रिलियन रुपीज जोटा कि इन्वेस्ट करिया को पड़िबो खास करके इन द ईयर बिटवीन 2025 2025 सुधा 2.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करिया पड़िबो वर्ल्ड वाइड, ताहले जाई कि ही 1.5 डिग्री रा टेम्परेचर को आमे रिड्यूस करि परिबा। ओके देन इट इज द जीडीपी ऑफ 2.5% ऑफ टोटल होल ग्लोब। ओके ग्लोब जीडीपी तो टोटल अर्थ रो जीडीपी रो 2.5% इन्वेस्ट करिया पड़ियो सब कंट्री मानन को नहीं की। तो मु नेक्स्ट स्टेटमेंट कहितली 100 बिलियन रुपी जो माने डेवलप्ड कंट्री अछंती डेवलपिंग कंट्री मानन को दबा को कुआ हैथिला बट 2017 डाटा सुधा से माने ओनली 71 बिलियन रुपीस दै छंती। तो ता ऊपर काम कोन करियार थिला ना दीटा काम करियार थिला क्लाइमेट अडैप्टेशन करियार थिला क्लाइमेट मिटिगेशन करियार थिला। तो 80% रुपी क्लाइमेट मिटिगेशन ऊपर इन्वेस्ट है छि वेयर ओनली 20% रुपी क्लाइमेट अडैप्टेशन ऊपर इन्वेस्ट है छि। सी हियर 20% अडैप्टेशन ऊपर इन्वेस्ट है छि। सो इट इज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट टू द कंट्री बिकॉज क्लाइमेट अडैप्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सेठी से नेक्स्ट को मेंशन करी चंदी इट इज वेरी सैड थिंग। तो आमको एबे इन्वेस्ट करिया पड़िबो कोन 100 बिलियन रुपीस इन द टैंजिबल क्लाइमेट फाइनेंस ड्यूरिंग 2020। तो आउ नेक्स्ट आमे दिस ईयर 100 बिलियन रुपी इन्वेस्ट करिया टैंजिबल क्लाइमेट फाइनेंस। तो जोटा आमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनियार अछि ता ऊपर आमको मेंशन करियार अछि ता ऊपर वर्क आउट करियार अछि। ओके तो सी एबे भी मेंशन करचंदी आज यूजुअल वर्ल्ड वाइड कोविड 19 चली छि। तो कोविड 19 ऊपर आमे बहुत टाइम स्पेंड करू छु बहुत मनी स्पेंड हो छि ह्यूमन बीइंग्स। ओके स्टे एट होम समस्त घरे अछंती तो एम्प्लॉयमेंट रो भी बहुत प्रॉब्लम अछि। ता सहित से मेंशन करिया चंदन सेम स्टेप यदि आमे क्लाइमेट चेंज ऊपर नै परिबा इट इज वेरी हेल्पफुल टू इंडिया इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड भी बहुत हेल्प हम बहुत ग्रेट स्टेप निजी। तो सी कह चाहते बहुत साइंटिफिक रिसर्च करियार अच्छी सोलार पावर उपर विंड पावर उपर जोटी की आम एनर्जी सेक्टर को स्ट्रंग करपर क्लाइमेट जस्टिस आणार अच्छी आक्रस द नेसन लिडर्स मानक से कन्सीयस हबार अच्छी हाउ टू वर्क अन् क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ऊपर ओके स्टूडेंट मानक मोटिवेट करियार अच्छी एवरी पर्सनल कन्सीयस हबार अच्छे जे क्लाइमेट को आम केमती सेफ रखिपर क्लीयर। सो इट इज ऑल अबाउट द पैसेज। नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट पैसेज कौन अच्छी सी हियर नेक्स्ट पैसेज इट इज रिलेटेड टू ओके यूके यूनाइटेड किंगडम ये दरकार नहीं नॉट ए इंपोर्टेंट वन निजे पढ़ीदेव। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज प्रीवियस वन सॉरी प्रीवियस वन कौन अच्छी बीइंग वोकल ऑन द राइट लोकल। तो इट इज ए पर्सनल व्यू तो पर्सनल व्यू दे राइटर तो सी कही कौन ना जिते लॉकडाउन चली कौन कौन सिनेरियो चली तो सी गोटे स्टेटमेंट नहीं कहार ना नरेंद्र मोदी ऑन द मे 12 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड अपॉन द इंडियन टू बी वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल हवापी से वर्क ऑन ग्रीन तो आवर सेल्फ इनटू ओके ट्रांसफॉर्म इनटू द ग्रीनर एंड मोर ह्यूमन सोसाइटी। तो निजे वर्कआउट कर केमी आमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करियार अच्छी घरे अच तो बहुत किसी प्लांटेसन कर ओके हैंडमेड किसी इनोभेसन स्टार्ट कर ताऊपर से वर्कआउट कर तो सी मेनसन करते गोटे पांडामिक स्टार्ट है प्रिवियस पांडामिक लोक मैंने केमती वर्क प्लेस रे काम करते आफ्टर पांडामिक से मैंने केमी होम को ओके फेरी जमी हिल स्टेट हो गला हिमालयन स्टेट हो गला दीज आर एम्प्टी विलेज बट से मैंने रिटर्न करके निज फैमिली सहित रीयूनाइट होती। तो दिस इज ऑल अबाउट पैसेज पैसेज से जिन मेनसन कर इंडिया कौन कौन चेंजेस आसी ड्यू टू द करोना भाइरस।
तो कोरोना भाइरस भितर आसी बट लास्टली से मेंशन करिया चाहते इंडिया इज ए वेरी गुड कंट्री, इंडिया गोटे बहुत बढ़िया कंट्री, तो समस्त को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करियार अच्छी, मेक इन इंडिया को प्रमोट करियार अच्छी, तेबे जाई आमे पुणी नुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी परिबा आउ निज इकोनॉमी को भी रिवाइव करी परिबा। क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट फास्ट वन, द फास्ट पैसेज कौन थी दैट इज योर एनाटॉमी ऑफ द एंटी ब्लैक रेसिज्म। तो एंटी ब्लैक रेसिज्म रिसेंटली न्यूज हिसाब से समस्त को जना अच्छी कौटी है ना यूएसए रे। क्लियर? तो यूएसए रे स्टार्ट है तो इंट्रोडक्शन पार्ट से कौन मेंशन कर चंदी सी हियर रेसिज्म हैज रेज्ड इट्स अग्ली हेड इन द फुल पब्लिक व्यू वंस अगेन। तो वंस अगेन पब्लिक व्यू शो हो सॉरी okay.